अब तक आपने देखा कि कृष्णा प्रीलिम्स की परीक्षा में उत्तीर्ण होती है और मेंस की परीक्षा के लिए बबलू सिंह सबको क्वेश्चन बैंक लेने का सुझाव देता है। पिंटू उसे कोचिंग सेंटर तक छोड़ने की बात कहता है, पर कृष्णा उसे मना कर देती है। कृष्णा क्वेश्चन बैंक इस वादे पर हासिल करती है कि वो शाम 6 बजे तक पैसे देकर उसकी कीमत अदा कर देगी। उधर 2000 रुपए न मिलने पर भगत क्वेश्चन बैंक वापस मांगता है। विद्यापति 2000 रुपए की एवज में अपनी सोने की चेन देना चाहते हैं, पर कृष्णा उन्हें रोक देती है और क्वेश्चन बैंक लौटा देती है। हताश विद्यापति को देख कृष्णा उनसे वादा करती है कि वो हार नहीं मानेगी और अपना सपना जरूर पूरा करेगी। अब आगे चंचल का इतना शोर मचा दे, आओ। अरे क्या बात है, काहे इतना शोर मचा रहे हैं आप लोग? अरे पापा आइए ना यहाँ पे। ठीक है कृष्णा दीदी, आप भी आओ। जानते हैं पापा, आज हम लोग ना स्वाति दीदी चुप रही है, हमको पूछ रही थी। पापा आज हमने कुछ खास किया है, बूझे तो माने। अब हम क्या बूझेंगे बिटिया, जब से हम तुम्हारी माँ से शादी की है ना, तब से हमारा सोचने समझने का शक्ति खत्म हो गया है। चलो चलो अब तुम जल्दी जल्दी बताओ क्या बात। दीदी आज हम और स्वाति दी ने कृष्णा दीदी के पास होने की खुशी में एक छोटा सा पार्टी का इंतजाम किए हैं। अरे वाह, देर किस बात की है, पार्टी शुरू की जाए। नहीं, सबसे पहले इस घर की विजेता को। नहीं पापा, पहले आप खाइए। और माँ, माँ कहाँ है? है तुम्हारी माँ? वो माँ अपना कमरा में है, कह रही हूँ उन्हें ही खाइए। बात है भाई, ये सुंदर से मुखड़ा को गोलगप्पा काय बनाई हुई है आप? चलिए बाहर चलिए, आइए आइए। तो लड़की लोग को सिर पे चढ़ाकर बर्बाद कर रहे हैं, ऊपर से उसका जश्न भी मना रहे हैं। हमको नहीं शामिल होना है आपके इस पागलपन में। पागलपन? लड़कियों को पढ़ाना लिखाना पागलपन है? अच्छा क्या होगा पढ़ लिख कर? कलेक्टर बन जाएगी। हम क्या कृष्णा का सौतेली माँ है? जन्म दिया है हमने उसको, 9 महीना पेट में रखे हैं, उसका इच्छा मार के क्या हमको खुशी मिलता है? हम जानते हैं आज पढ़ाई करने में जितना परेशानी हो रहा है, पढ़ाई के बाद उससे ज्यादा दुख और परेशानी होगा। जितना पढ़ेगी उतना शादी में दिक्कत होगा। 4-4 बेटियां हैं हमको, और अभी तक सिर्फ एक बेटी का शादी कर पाए और उसका भी दहेज पूरा नहीं दे पाए। पैसा के कारण ही स्वाति का शादी में देरी हो रहा है, पर अगर किसी तरह शादी हो भी गया तो उसके बाद भी 2 लड़कियां और बचती हैं। सिर्फ शादी करने में ही कमर टूट जाएगा, बस इसीलिए रोक टोक करते हैं। पर आप पता नहीं कौन सा मिट्टी का बने हैं, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए मिसेस सरस्वती राज, अब हम तो भाई ऐसे ही है, जीवन में बहुत दुख तकलीफ आया लेकिन आपका साथ हमेशा रहा और हंसते खेलते यहां तक चले आए, आगे भी चलेंगे। लेकिन एक बात हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे, हमारा नाम है विद्या और आपका नाम है सरस्वती। अगर हम ही अपने बच्चों को शिक्षा हासिल नहीं करा सके तो हमें अपना नाम बदल देना चाहिए। माँ आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमारी वजह से तुमको दुख हुआ ना, चलो ना माँ, अगर तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। हाँ भाई चलो,
ठंडा जलेबी खाने का क्या मतलब? चलो ना माँ। अरे इतना जल्दी? जल्दी नहीं है, एग्जाम तो टाइम पर ही हो रहा है, लेकिन वो प्रीलिम का रिजल्ट वो लेट आया है। अरे पर इतना जल्दी तुम इम्तिहान कैसे दोगी? अरे कुछ करिए ना। अरे वो कोयला खदान कृष्णा भी इम्तिहान दे रही है, और ऐसे में ना हमरे पिनकी का पास होना बहुत ही जरूरी है। कुछ करते हैं, तुम एग्जाम दो, रोल नंबर हमको दे देना, फुल सेटिंग करते क्या जीजा जी, एक ही शहर में रहकर भी आपके तो दर्शन तक नहीं होते। अरे आया करिए भाई, और डरिए नहीं, हम आपका खर्चा नहीं कराएंगे। ठीक है ठीक है, नमस्ते, गुड नाइट। लो हो गया। कृष्णा तुम भी सो जाओ, रात हो रहा है। हाँ दीदी, बस थोड़ा सा। बढ़िया हुआ, इससे तुम लोगों को बहुत मदद मिलेगा। अरे तो मजा मुफ्त में थोड़ी ना मिल रहा है, खर्चा भी तो किया है। अरे खजाना है खजाना ये। चल एक मिनट राजेश, तुम हमको एक क्वेश्चन बैंक थोड़ा देर के लिए दे सकते हो? हम इसका फोटोकॉपी करवा के तुमको वापस कर देंगे। वाह, मतलब सबसे होशियार तो यहां तुम ही निकली। हम 2000 खर्चा करके खरीदे इसे, और तुम चाहती हो कि ये तुम्हें 100 रुपया में मिल जाए, ये तो नहीं हो सकता। कृष्णा जी वो क्या है ना कि अब बिना पैसा के तो सरस्वती जी भी आशीर्वाद नहीं देती। शकल सूरत ठीक होता ना, हम ही दे देते। सुनो बबलू सर को आने में थोड़ा टाइम है, वो कहलवाएं आज क्लास आधा घंटा लेट से शुरू होगा। बैठो। बीपीएससी
संस्कार है बाबू, हीरो बनने का बहुत शौक है। बिट्टू भैया हम तो वो ये हमारे भैया का कोचिंग सेंटर और यहाँ पे हम किसी का भी उत्पात या दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? ये तुमको आधा घंटा बाद मिलेगा। तुरंत इसका फोटोकॉपी करवा लो। अरे का पिंटू बाबू, लड़की पे दिल आ गया है का? दिमाग उमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे भाई हम तो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि हमको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है लगाव ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है तुम्हारा। कुछ लगाव उगाव नहीं है, वो बेचारी एक गरीब लड़की और सब लोग उसको सताए हुए हैं। याद है भैया के बोले थे लड़की पढ़ाई में बहुत तेज है, तो फिर ऐसे लोगों का मदद करना चाहिए कि नहीं? तो सिर्फ मदद ही कर रहे हो ना, तो और क्या कर रहे हैं? अरे हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, इतना नाराज काहे हो रहे हो? हेलो भैया, हो गया फोटोकॉपी। ए छोटू छोटू इधर आ, इधर आ, चाय गरम है? हाँ। अब एक काम कर, ये किताब उस दीदी को दे के आ और दीदी से कहना ये किताब भैया ने दिया। वाह, क्लास करने आए हो और यहाँ भी मौज मस्ती चल रहा है। ये तो क्वेश्चन बैंक का कॉपी है, ये हमारे लिए है? कौन दिया? अब तुम लोग का चाय पार्टी हो गया हो तो क्लास में चलें। बबलू भैया आप भी पिंटू को ऐसा सब बोलते रहते हैं और यहाँ इंस्टीट्यूट का सारा लड़का और लड़की लोग पिंटू का कद्रदान हो गया है। अच्छा, इस उपलब्धि के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं। भैया हम थोड़ी ना कुछ करते हैं, अब सब लोग खुद ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पिंटू बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब आपकी जो सबसे होनहार स्टूडेंट है वो भी तो पिंटू की कायल हो गई है। कौन वो? ना? जी भैया, अब आप खुद ही देख लीजिएगा कैसे वो आके पिंटू से बात करती है। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते सर, हमको आपसे कुछ बात करना है। ठीक है। बताओ क्या कहना चाह रही थी? सर हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। जी तो कर रहा है तुम्हारा, गाल पे धन्यवाद लिख दें। तुम उस दीदी को बताए भी थे कि वो किताब पिंटू भैया भिजवाए थे? जी भैया, हम बोल तो दिए थे और भैया की तरफ इशारा करके भी दिखाए थे। आजकल के जमाना में तो किसी को मदद करना भी गुनाह है। सर आप हमारा कितना मदद करते हैं, हमारे पापा आपके बाबूजी के यहाँ काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप आज तक हमको आपके और हमारे परिवार के बीच के फासले का एहसास नहीं कराए। हम जब से आपके इंस्टीट्यूट में आए हैं आप हमसे फीस भी नहीं लिए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रही हो? सर हमको करने दीजिए। कहने को बचे का है। बिंदु भाई बहुत अजीब लड़की है वो। थैंक यू और धन्यवाद तो छोड़ो,
उसने तो तुम्हारी तरफ एक बार देखा तक नहीं। और आज तो आप हमारे लिए। बस कृष्णा, अब आगे कुछ मत कहो। अगर हम तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं वो सिर्फ इसलिए तुम एक होनहार स्टूडेंट हो और हम ऐसा मानते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। और वैसे भी कृष्णा, ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए सिर्फ कमाई का साधन नहीं है, इसलिए तुम कुछ मत सोचो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारा सफलता ही मेरा फीस होगा। धन्यवाद सर। लो आ गई वो। अरे भाई जरा समझा करो, अब बबलू भैया के सामने हो सकता है वो बात नहीं करना चाह रही होगी। बात करेगी अकेले में, हाँ इसलिए देखो वापस आ रही है। बाबूजी हमको और भैया को तुरंत बुलाए। ठीक है हम भैया को लेके आते। अरे मम्मी मैंने चॉकलेट तो फिर ना दूंगा। देख रही है ना माँ कितना शरारती हो गया ना। अरे मेरा सोनुआ मेरा हीरा सब बस नाप दे दो। तुम्हारे छोटे पापा को फोन किए हैं, तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आएगा। हाँ अब तो नाप दोगे ने? सब बस ये हुई ना बात। ये लो माँ ये भी आ गए। थोड़े पापा, थोड़े पापा। हाय मेरा गुंडा बेटा, लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए, फटाफट पॉकेट में रख लो वरना तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ हमारी भी पिटाई कर देंगे। हाँ माँ क्या हुआ? तुम्हारे बाबूजी का फोन आया था, कह रहे थे तुम दोनों को बीडीओ ऑफिस दे। बीडीओ ऑफिस काहे बाबूजी हम लोग को परेशान करते रहते हैं, उनको जो करना है करें लेकिन हमको उस सब में शामिल होने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? तुम्हारे बाबूजी है तुमको बहुत प्यार करते हैं। अरे वो तो चाहते कि बाबूजी क्या चाहते हैं हम अच्छा से जानते हैं, और खुद को जमींदार और हम लोग तो जैसे उनका औलाद नहीं उनका कर्मचारी हैं, जो उनका हर आदेश को एक पैर पर खड़ा होकर सुनता है। हमको नहीं जाना है। हे भगवान, हे भगवान, ये बाप बेटा के बीच हम हमेशा पिसते हैं, इसलिए हम तुमको फोन कर नहीं बताए। हमको पता था बता देंगे तो तुम यहां नहीं आओगे। तुम्हारे वहां जाने से अगर उनको खुशी मिलती है तो तुम्हें काहे की परेशानी? का एक बाप अपना बेटा से इतना छोटा सा खुशी का उम्मीद भी नहीं कर सकता? तेईस लाख एक, पच्चीस लाख दो,
अरे देख कर रहे हैं, टुनटुन भैया जी ने चश्मा पहनने के लिए दिए हैं, कॉलर में टांगने के लिए नहीं। अब पहनो, अब पहनो। अखियां मूंद के पिए ले दूध, बिलरिया मौसी भड़ान बूझ। बिल्ली आंख बंद करके पूरा दुधवा पी जाती है, समझती है उकरा के कोनो देखा ही नहीं। पर हम तो पकड़ लिए जी। भैया जी, वो वीडियो साहब कहे थे जब बड़ा वाला बोली होगा तब आपको बुलाएंगे। चूंटी, ये चूंटी लोग हमरा होते हुए बोली लगाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, क्या क्या हो पर अब ठीक है, अब सबको काला चश्मा पहना दिए ना, कोई को कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, ये तो कोई तरीका नहीं। अरे हम चश्मा काहे पहने, अरे कोई समझाएगा हमें भैया। दंगा फसाद करता है, संवैधानिक तरीके से हो रहे कामकाज में बाधा पहुंचाएगा। चल यहां से, चल। ए सवास। चलिए आप लोग बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। हम अपना लकी चारम का इंतजार कर रहे हैं। लीजिए, आ गए हमरे कर्णधार, अब हमको कौन हरा सकता है। हाँ तो बोली कहाँ पर थी जी? 25 साल के बोली बड़ा कहाँ। अच्छा है, अब ये सब तमाशा बंद कीजिए। हम कह रहे हैं 20 लाख 1, 20 लाख 2 और 20 लाख 3। यहाँ बैठे बैठे हमारा मुंह का ताक रहे हैं। अरे जाइए जाइए, घर जाइए, पकौड़ी खाइए और ये चश्मा पहनकर 3D सिनेमा देखिए। जाइए जाइए। भैया आप जो भी कहे, हमारे बाबूजी का दबदबा बेजोड़ है। ये बहुत गलत है, बहुत गलत। मुबारक हो बाबूजी, इस बार भी आप अपना दबदबा से कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ही लिए। बाबूजी, बबलू भैया के कहने का मतलब है कि का जोरदार रुबाब है आपका, और अब तो हम दोनों भी आ गए हैं वो आपके लकी चाम
तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिलना था ना। सही है, सही है। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ, बहुत ही बड़ा खुशखबरी देना है सबको। जल्दी आ जाओ।